वाह वाह क्या गाना है। क्यों छोटे मालिक, ये गाना मेरे मोबाइल पे भेजेंगे क्या? तू जा कर रहा है? अरे ये बैल बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए इसकी नथ खुलवाने जा रहा हूँ। तो पहले वहाँ जा, वरना तेरी खुलवा दूंगा। गलत समय पर आटपका। गुस्सा क्यों रे? चल राजा, लगता है हम लोग गलत समय पर आ गए। ये नथ खुलवाना क्या होता है? वो खुलवाने वाले से जाकर पूछो, सारा मूड खराब कर दिया। अंकल हाँ? मेरा एक डाउट है। आजा पहले ये पकड़ो, पैसा देकर भी ऐसा नारियल कहीं नहीं मिलेगा, पी कर देखो। अंकल नथ खुलवाना किसे कहते हैं? अरे अरे भागो यहाँ से। ये क्या अंकल, नारियल से अपना मुंह साफ कर रहे हो? अरे तुमने ऐसा क्या पूछ लिया जो ये जॉगिंग करते चले जा रहे हैं? ये नथ खुलवाना किसे कहते हैं? नथ खुलवाना, ये दरवाजा खुलवाना, ताला खुलवाना, कपड़े खुलवाना, ऐसा ही कोई खुलवाने जैसा काम है ये तो मैं समझ गया, लेकिन कैसे खुलते हैं, क्या खुलते हैं, हाथ से खुलते हैं या पैर से खुलते हैं ये नहीं पता। कुल मिलाकर तुम्हें कुछ नहीं पता। Yes, ये पकड़ो। Right you are. और हाँ हाँ, if you know the answer, please SMS me, हाँ? ए, चल, oh, thanks. आंटी, हाँ? ये नथ खुलवाना कैसे कहते हैं? वो ना? मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। सुनिए जी, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। आप चुपचाप किताब पढ़िए ना। ठीक है दादाजी, मुझे कुछ पूछना है। पूछो ना बेटी। मेरे पूछने पर जवाब दिए बिना भागना मत। अरे तुम किनसे क्या सवाल पूछ रही हो? तुम इनकी जनरल नॉलेज के बारे में नहीं जानती। ये पुराने जमाने के ग्रेजुएट हैं। जो पूछना है बिंदास पूछो। ठीक है, ये नथ खुलवाना किसे कहते हैं? अरे बाप रे, ऐसा सवाल पूछा। वो है कि हाँ? एक बैल की फैमिली प्लानिंग को कहते हैं। अरे बाप रे, अब समझ आया कि सब ऐसे क्यों भाग रहे थे। ए, इन केलों को पहले डिक्की में रखो। चलो सामान गाड़ी में रखो। तुम लोग जाओ, हम लोग कल आ जाएंगे। कल? वो किस लिए? क्यों, तुझे बताना जरूरी है क्या? मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? बात वो नहीं है पापा, बिना गाड़ी के कैसे आएंगे आप? हम आ जाएंगे बेटा। वो बात नहीं है, कल आ जाएंगे ना पापा। अब चलिए। ओए, मैं तेरे बाप हूँ या तू मेरे बाप है? आप ही मेरे बाप है। आइए चलिए। आप गोपी, चलो गाड़ी में बैठो। कहिए दादी। इसे ले जाकर अच्छे तरीके से रख दो। ये अरे चल, क्या हुआ? आपातकालीन में काम आएगी। अरे जल्दी से गाड़ी चला रहा है। चला रहा भाई, अच्छी तरह से। अरे जल्दी से चलाने को बोला ना। चले जाना। चला। अरे जल्दी से बैठने को बोला ना। चलो बैठो। हाँ चलो जल्दी से दादाजी। बाय बाय पापा, बाय बाय। हेलो, कौन है? क्या हुआ? हाँ तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। दादाजी बेटा राम, हमने ऐसा क्या पाप किया है जो ऐसे अनाथ के जैसे मरेंगे? ओए, कुछ नहीं हुआ, बोलना चाहिए था ना तेरे को। बोलने का दिया, उससे पहले ही फोन कट कर दिया। नारियल का पेड़ तार पर गिरा और तार घर के ऊपर, जिससे घर पे आग लग गई और आग लगने के बाद सारे सिलेंडर फट गए। अच्छा दादी जी, जब घर में आग लगी तब आप लोग कहाँ थे? हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे गांव के सिनेमा घर में अपना पराया फिल्म चल रही थी। कहते तो तुम लोग जाने नहीं देते, इसीलिए बिना कहे चले गए। उसी समय घर में आग लग गई थी बेटा। अब ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? चल खुश हो जा, तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? Cheer up. <चेरप। laughs>
अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो गया? ये तो एक्सीडेंट हो गया। चलो चलो, अरे इधर आइए, आइए आप लोग, देखिए आइए शंकर नारायण जी। नेताजी नमस्कार, आप हमारे घर आना चाहते हैं ये काली यादों ने बताया। आपके पद के हिसाब से आप हमारे घर आएंगे, इसलिए मैं ही पहले चला आया। हमेशा तो साथ ही रहते हैं ना, तो फिर ये पॉइंट ये कैसे पकड़ते हैं? क्या हुआ नेताजी, कोई जरूरी बात है क्या? काली यादव ने कुछ बताया नहीं क्या? कुछ नहीं बताया। काली आज तो तू गया। वो क्या है कि हम सामने आकर बात कर लेंगे सोचकर छोड़ दिया हमने। नेताजी जो है वो आपके यहाँ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हम ही नहीं समझ पाए तुझे आज तक। दरअसल आपकी बेटी के साथ मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूँ। अरे इसके लिए इतना हिचक क्यों रहे आप? इतना सुनने के बाद, अंजलि मेरी बेटी नहीं है, अब आपकी बहू है। मुहूर्त कब है, शादी कब रखनी है बता दीजिए, हम अपनी बेटी के साथ आ जाएंगे। वो क्या है कि एक बार आपकी बेटी की भी इच्छा जान ले तो। नेताजी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैंने उस नागराज की तरह अपनी बेटी को नहीं पाला है, मेरी बनाई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी, डर से नहीं, इज्जत की वजह से। हाँ। यहां दो। धन्यवाद। लीजिए। आप लीजिए। साहब के सामने मैं नहीं पी सकता। लाइए दीजिए साहब, ये लीजिए। अब आगे शादी का ही खाना होगा, आप तैयारी कर लीजिए। यहाँ के विष्णु भगवान के दर्शन करो तो आपके घर जल्दी ही शादी की शहनाई बजेगी। मेरी बेटी की शादी पहले से ही तय हो चुकी है, इसीलिए भगवान की अर्चना करने मंदिर में आई हूँ। चलती हूँ मैं। सुन लो, कोई भी मेरे पास मत आना, मेरी बात मानो, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो इसके गर्दन काट डालूंगा। मेरे पास मत आना। काट के तो दिखा। माँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। अब बहन जी कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है जी सर, जान को अब कोई खतरा नहीं है। तूने तो बचा लिया डॉक्टर, अब तुझे कौन बचाएगा? इनका ख्याल रखना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप दोनों साथ रहकर ख्याल रखना। बेटा गांव में घर का जलना, तुम्हारी माँ पे वार होना, ट्रक एक्सीडेंट में तुम्हारे बाप का बचना, इन सब का कारण क्या हो सकता? अब शनि का खेल है। तुम एक काम करो, परिवार समेत काशी जाके वहां गंगा नहा के आ जाओ, तभी शनि शांत होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेट मत करना बेटा, तुरंत निकल जाओ, बाकी सारी तैयारी मैं करवा दूंगा। अब चलू मैं। क्या हुआ बेटा, कोई ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?